हजार के करीब, रतिया में 38,500 के करीब, नरवाना में 15,500 के करीब, कालमवाली में 42,000 से ज़्यादा, रानिया में 27,000-28,000 के करीब, डबवाली में 34,500, सिरसा में 13,000 से ज़्यादा, एलनाबाद में 27,000 से ज़्यादा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया और पार्टी को नेतृत्व दिया है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी खुद यहाँ पर आए, ज़बरदस्त रोड शो हुआ, सब ने मिलकर ये जीत हासिल की है। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से झूठ की राजनीति थोपने का प्रयास किया, मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया, कई दिन से कैसे गलत खबरें लोगों पर थोपी गई, लेकिन लोकतंत्र देश में जिंदा है और हमें इसे जिंदा रखना है, और सिरसा के लोगों ने इसे जिंदा रखा है। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, अपने ओपोनेंट्स की भी, मीडिया की भी, आम लोगों की, सब की मैं आभारी हूँ कि ये मौका मिला। ये आज से नहीं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से यहाँ पर लोगों का लगाव, लोगों का प्यार रहा है, पहले उनके साथ और उनके बाद मेरे प्रति, मुझे खुद सिरसा के लोगों ने बुलाया यहाँ पर, चुनाव यहाँ से लड़वाया और जिताया। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी मैं सर्टिफिकेट हमें मिला है, अभी मैं दिल्ली जाऊँगी, इसके बाद सिरसा में अभी कांग्रेस भवन जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। प्रोग्राम अभी आपको बता देंगे, फतेहाबाद होते हुए, हिसार होते हुए दिल्ली जाऊंगी मैं। प्राथमिकता हमारी ये है कि दिल्ली जाकर सरकार, देश में एक स्टेबल सरकार बने, ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश को एक अच्छी विचारधारा मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, अच्छी सरकार मिले। और पिछले 10 साल जो देश को एक गलत अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया, देश के लोगों ने उस बात को नकारा। प्राथमिकता यही है देश के लिए, और उसके बाद हमारी प्राथमिकता है सिरसा के लोगों के लिए। यहाँ की जो भी ज़रूरतें होंगी, मैं और मेरे साथी उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। परंतु इसके बाद, ये चुनाव तो हमने जीता है, इसके बाद अगला पड़ाव हमारा हरियाणा की राजनीति में भी एक बदलाव लाने का है। 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, वैसे ये जून हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3-3 महीने की बात है, तो अक्टूबर में चुनाव होना है, हो सकता है उससे पहले हो जाए। राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हरियाणा में भी हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है और हम सब मिलकर
उसकी ओर पूरा प्रयास करें। 5-5 की बराबरी बीजेपी और कांग्रेस की हरियाणा की 10 सीटों में है, क्या माना जाए कि कांग्रेस की अभी से ही विधानसभा की तैयारियां शुरू होगी? बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई कांग्रेस की भी और लोगों की। हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे राज्य पर देश पर थोपने का प्रयास किया है, जन विरोधी नीतियाँ थोपने का प्रयास किया है, एक विचारधारा थोपने का प्रयास किया है, उसको हमारे राज्य ने भी सिरसा के लोगों ने नाकार दिया। ठीक है, अगली तैयारी हमारी हरियाणा की बारी है। सिरसा में किस तरह के विकास कार्य होंगे जी?